Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing a very important remedy from third prof and that is Veratrum Viridi. Friends, Veratrum Viridi एक बहुत important remedy है जो कई बार examination में पूछी जाती है. Veratrum Viridi का common name होता है green hellebore और ये Milanthaceae family को belong करती है. चलिए अब हम देखते हैं कि Veratrum Viridi का पेशेंट अगर आपके पास आएगा तो उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ जाओगे कि ये जो पेशेंट है ये Veratrum Viridi का है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग Veratrum Viridi फ्रॉम एलन की नोट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट हैज़ बीन मेंशनड फॉर फुल ब्लडेड लिथोरिक पर्सन. सो Veratrum Viridi का जो पर्सन होता है वो फुल ब्लडेड होता है. दैट मीन्स उसकी जो आर्टरी है, जो वेन्स है, वो फुल होंगी ब्लड से. बहुत ज़्यादा कंजेशन होगा और पर्सन जो होता है वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीने वाला रहता है. कंजेशन स्पेशली टू द बेस ऑफ ब्रेन. जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो फुल ब्लडेड है तो ऑब्वियसली वहाँ पर हमें कंजेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली बेस ऑफ ब्रेन पर, चेस्ट रीजन में, स्पाइन रीजन में और स्टमक. तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टमक, फिर चेस्ट, पीछे स्पाइन और ब्रेन का बेस वाले पार्ट पे आपको क्या मिलना है, कंजेशन देखने को मिलता है. वॉयलेंट पेन्स अटेंडिंग इन्फ्लेमेशन. कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वॉयलेंट पेन देखने को मिलेगा इस पेशेंट में. अक्यूट रिमेटिज्म, हाई फीवर, फुल हार्ट, रैपिड पल्स. तो यहाँ पर अक्यूट रिमेटिज्म का भी कई बार केस देखने को मिलता है जब जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर, फुल हार्ड रैपिड पल्स आपको मिलेगी और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जॉइंट्स और मसल्स में. फ्रेंड्स, हम सबको पता है दैट रिमेटिज्म इज़ अ डिजीज़ दैट बेसिकली अफेक्ट्स द जॉइंट्स एंड द मसल्स. तो यहाँ पर भी वहाँ पेन देखने को मिलेगा. इसके साथ साथ स्कैंटी रेड यूरिन इज ऑल्सो सीन. तो जो Veratrum Viridi का पर्सन होगा उसमें स्कैंटी और रेड यूरिन देखने को मिलती है. रेड यूरिन एक और मेडिसिन में रेड सैंड इन यूरिन देखने को मिलता है. वो कौन सी मेडिसिन है अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस इट फर्दर. सो चाइल्ड ट्रेम्बल्स, जर्क्स, थ्रेटेंड विथ कन्वर्जन. सो जो पर्सन होता है, चाइल्ड होता है, उसमें ट्रेम्बलिंग होती है, वो हमेशा शेक करता रहता है, जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं उसके आर्म्स में, कंटिन्यूसली वो अपने हेड को नॉड करेगा. दैट मीन्स एक डायरेक्शन में आपने देखा होगा कुछ लोग अपने सर को नॉड करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं. सो ये इसके चाइल्ड में ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है. नर्वस और सिक हेडेक, ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर होता है Veratrum Viridi का दैट यहाँ पर आपको सिक हेडेक देखने को मिलता है. और किस वजह से, अगर मेंसेस का सप्रेशन हो गया उसकी वजह से कंजेशन हो रहा है तो उसके बाद कई बार सिक हेडेक देखने को मिल सकता है. हेडेक कैसा होता है, इंटेंस होता है, ऑलमोस्ट एपोप्लेक्टिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है नौजिया और वॉमिटिंग के साथ. सो अगर कोई फीमेल है जिसके मेंसेस नहीं आए हैं, मेंसेस सप्रेस्ड है, उसकी वजह से कंजेशन है, सिक हेडेक मिल रहा है और फीमेल में नौजिया और वॉमिटिंग जैसी कंप्लेन भी है तो आप उसे Veratrum Viridi प्रेस्क्राइब कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कंजेस्टिव एपोप्लेक्सी, हॉट हेड, ब्लड शॉर्ट आईज, थिक स्पीच, स्लो फुल पल्स, हार्ड एज आयरन. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है दैट इसकी जो पल्स होती है वो हार्ड होती है एज आयरन. ठीक है, कन्वर्जन्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ट्रेम्बलिंग मिल रही है, डिम विजन, बेसिलर मेनिंजाइटिस, हेड रिट्रैक्टेड, चाइल्ड ऑन वर्ज ऑफ स्पाज्म. तो इसका जो बच्चा रहता है वो हमेशा कन्वर्जन के मोड में रहता है, स्पाज्म की कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. नाउ सेरेब्रोस्पाइनल डिजीजेस विथ स्पाज्म, डायलेटेड प्यूपिल्स, टिटैनिक कन्वर्जन्स, मतलब जब टिटनेस होता है तो उसकी वजह से जो कन्वर्जन्स आते हैं उसके लिए भी आप ये मेडिसिन दे सकते हो. विथ कोल्ड क्लैमी पर्स्पायरेशन, सो यहाँ पे जो पर्स्पायरेशन है, जो स्वेटिंग है, वो कैसी होगी, कोल्ड और क्लैमी होती है.
Now, sunstroke, head full, throbbing of arteries, sensitive to sound. तो यहाँ पे क्या है, सनस्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिलती है जब जो हेड होता है इट इज़ फुल ऑफ थ्रॉबिंग आर्टरीज. मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट विराट्रम वेरिडे में कंजेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. सो यहाँ पे जो हेड होता है इसमें भी थ्रॉबिंग फील होती है आर्टरीज की, ठीक है. सेंसिटिव टू साउंड, डबल और पार्शियल विजन. सो यहाँ पर इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसका हेड कंजेशन की वजह से, थ्रॉबिंग की वजह से, दैट वो बहुत ज़्यादा पर्सन सेंसिटिव हो जाता है साउंड के लिए, उसको साउंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है. टंग वाइट और येलो विथ रेड स्ट्रीक डाउन द मिडिल. सो इसकी जो टंग होती है उसमें रेड स्ट्रीक देखने को मिलती है मिडिल लाइन पे, ठीक है. इसकी टंग जो होती है वो ड्राई होती है, मॉइस्ट होती है, एंड नो कोटिंग ऑन ईदर साइड, ठीक है. फील्स स्कॉल्डेड, इसकी जो टंग होती है उसमें इस पर्सन को ऐसा सेंसेशन होता है दैट जैसे कि कुछ गर्म, आप जैसे आपने चाय पी ली या जो भी हीट से अगर डैमेज होता है तो अगर स्कॉल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो जैसी सेंसेशन होती है उस तरीके की सेंसेशन यहाँ पे टंग में देखने को मिलती है. पल्स सडनली इंक्रीजेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिलो द नॉर्मल. देखिए विराट्रम वेरिडी कंजेशन की मेडिसिन होती है, इसीलिए यहाँ पर वेन्स, थ्रॉबिंग, आर्टरी एंड अभी क्या डिस्कस किया जा रहा है, पल्स. सो पल्स जो है वो अचानक से बढ़ती है और सडनली और इंक्रीज करेगी एंड ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, और वो बिलो नॉर्मल, जो पल्स रेट नॉर्मल होना चाहिए पल्स उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है. और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है एलएन की नोट्स में जो आपको याद रखना है. कई बार एमडी में आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में भी ये फ्रेम किया जा सकता है दैट विराट्रम वेरिडी शुड नॉट बी गिवन सिंपली टू ब्रिंग डाउन द पल्स, कंट्रोल द हार्ट्स एक्शन. सो जैसा कि हमने पढ़ा है एकोनाइट में एक ऐसी ही स्टेटमेंट लिखी है, वो स्टेटमेंट क्या है आप उसे कमेंट करके मुझे बताइएगा. सो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट विराट्रम वेरिडी शुड नॉट बी गिवन सिंपली टू ब्रिंग डाउन द पल्स. पर्सन की अगर पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो अगर आपको लग रहा है कि आप विराट्रम वेरिडी दे दोगे सिर्फ पल्स ठीक करने के लिए या हार्ट एक्शन के लिए, तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है. आप एज अ होम्योपैथ हमेशा मेडिसिन टोटैलिटी ऑफ सिम्टम पर ही प्रेस्क्राइब करोगे एंड दैट इज द मेन थिंग, ठीक है. सो दिस रेमेडी विराट्रम वेरिडी वॉज ऑल अबाउट कंजेशन, इट वॉज ऑल अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हार्ट, जर्किंग ऑफ द मसल्स, और इसमें बहुत सारे आपको सेरेब्रो स्पाइनल सिम्टम्स मिले, बहुत सारे सीवीएस के सिम्टम्स मिले. सो इसमें जो ब्रेन वाला पार्ट है एंड जो भी पॉइंट्स यहाँ पर पर्पल में हाईलाइट किए गए हैं फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज विराट्रम वेरिडी फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैं मटीरिया मेडिका की एक मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हुए डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.